नहीं तो बिना कमाए साला ससुराल जाओगे? सूजी बन रहा है, हलवा बन रहा है क्या? अच्छा, किशमिश डाल दीजिए ना। अब ससुर बोलेगा कमाते हो, किशमिश खाओगे? अच्छा, थोड़ा बदाम में डाल दीजिए ना, किशमिश। हाँ बदाम। अब बताओ, ये हो जाता है। अब वही कमा के जाओगे, हलवा बन रहा है क्या? किस चीज का? सूजी का है? मैं कमाता हूं इतना, सूजी का हलवा खाऊंगा? गाजर का हलवा खिलाओगे ना? चप्पल से मारूंगा, गाजर का हलवा बनाओ। ये एटीट्यूड रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं सुमन सर, ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि शादी से पहले ये एक काम जरूर कर लेना, वरना शादी के बाद पछताओगे। ठीक है? और मतलब क्या, हमेशा पछताते रहोगे। ठीक है? तो शादी से पहले कौन सा एक काम है जो करना एकदम जरूरी है, वो तो मैं खैर आगे बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले ये कि वीडियो पूरा देखना। ठीक है? कुछ भी हो जाए, वीडियो पूरा देखना। और भाई एक लाइक ठोक दो, अभी ठोको भाई, बोलने का जरूरत ना पड़े, एकदम ठोक दो भाई। ठीक है? और जो सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है? और एकदम टारगेट 200 लाइक है, किसी तरह 200 होना चाहिए। ठीक है? तो अब आते हैं टॉपिक पे। यार देखो, वो एक कौन सा काम है जो एकदम करना जरूरी है शादी से पहले। मान लो कि आपकी एज 28 प्लस हो चुकी है, या 26 में भी अभी शादी करने वाले हो, लेकिन भाई वो एक काम कर लेना, फिर शादी करना। ठीक है? अब मैं बोलने जाऊंगा, अब मैं बताऊंगा तो आप सोचोगे बड़ा ही कॉमन चीज बोला है। सुनने में कॉमन है, लेकिन लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं उस चीज में। ठीक है? वो क्या है, अब सुनो। शादी से पहले अपना कैरियर बना लो भाई। और भाइयों की बहनें, बहन तो बोलता नहीं हो, समझ रहे हो? शादी से पहले कुछ भी करके अपना कैरियर बना लो। ठीक है? अब बहुत लोग बोलेंगे, बहुत लोग सोचेंगे कैरियर मतलब आईएएस ऑफिसर होता है, कैरियर मतलब डॉक्टर ही होता है, इंजीनियर ही होता है। अरे ऐसा नहीं है, कैरियर यह होता है, लेकिन भाई मान लो मैं यूट्यूब वीडियोज बनाता हूँ, अब इसमें भी तो अर्निंग होती है। अब कितनी होगी वो तो खैर बताऊंगा नहीं। ठीक है? इसमें भी तो अर्निंग होती है, अलग से मैं कॉल बुक करता हूँ, प्लस मैं फिल लाइन में हूँ, उसमें भी कुछ इधर उधर, समझ रहा हूँ? तो भाई मैं कौन सा जॉब कर रहा हूँ भाई, ये कौन सा जॉब? एक तरह का यूट्यूब आजकल जॉब माना गया है, लेकिन जो रेलवे का तैयारी, बैंकिंग का तैयारी, इन लोग से पूछो यूट्यूब क्या जॉब है, वो लोग मजाक उड़ाते हैं यूट्यूब का, आप समझ रहे हो? इवन मैं अपना यूट्यूब से कितना कमाता हूँ, अच्छे खासे जॉब वाले नहीं कमाते होंगे, मैं रिवील तो करूंगा नहीं, समझ रहे हो ना? कॉल बुकिंग मेरी कितनी होती है वो अभी बताने जाऊं तो भाई, समझ रहे हो? अच्छे अच्छे जॉब वाले शर्मिंदा हो जाएंगे। तो ये क्या जॉब है? ऑथोराइज जॉब तो नहीं ना है भाई, कि हाँ किसी प्राइवेट कंपनी में मोहर लगाया है ऑस्कर लवगुरु, और या ऑस्कर लवगुरु सरकारी मतलब कर्मचारी है, ये भी तो कैरियर है। तो इसलिए कैरियर मतलब वही नहीं होता एकदम कि नौकरी पेशा ही हो भाई। कुछ भी करके अपना अर्निंग सोर्स जनरेट करो। शादी से पहले आपका इतना होना चाहिए, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो या लड़की। ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि शादी से पहले लड़के को ही कमाना चाहिए, अरे लड़की को भी कमाना चाहिए। पति घटिया निकला तो है, अब मान लो पति छोड़ दिया, मान लो एकदम चुतिया निकला उसका, छोड़ दिया तो आपके पास है ही नहीं अर्निंग सोर्स, कहाँ से वो गल घटिया पति का भाई फिर चाटते रहोगी, क्योंकि वो आपको खाना खिला दे रहा है, उसका मार झेलोगी, वो दारू पी के मारेगा, आप फिर भी सहोगी, क्योंकि आपके एक बच्चे हो गए हैं और आप कमा नहीं पा रही हो, दिक्कत है, घरेलू बन के रह रही हो भाई, आप समझ रहे हो? तो मजबूरी में आप उस इंसान को, उस घटिया इंसान को आप सहोगी, क्यों? क्योंकि अर्निंग सोर्स नहीं था। कैरियर मतलब अर्निंग सोर्स, कुछ ना कुछ होना चाहिए भाई, चाहे आप जमीन का दलाली ही क्यों ना करो, लेकिन अर्निंग सोर्स होना चाहिए। दलाले वाली ब्रोकरी, कुछ भी होता नहीं, ब्रोकर, जमीन का ब्रोकर मैं भी कर चुका हूँ एक टाइम। ठीक है? उसमें भी अच्छा कमाई है, लेकिन भाई बड़ा भागा दौरी होता है यार, पैसा तो है ब्रोकरी में, लेकिन बड़ा भागा दौरी होता है, इसको मकान दिखाओ, उसको मकान, आप समझ रहे हो ना? तो वही मैं बोल रहा हूँ भाई, कुछ भी करो, पैसा कमाओ। मैं ये नहीं बोल रहा एकदम 50-60 हजार, लेकिन भाई जैसे खासकर जो भी लड़कियां हैं, ठीक है भाई, कुछ ना कुछ ऐसा करो कि मंथली 15-20 हजार तो भाई आए। ठीक है? ये कम से कम बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा तो भाई करोड़ों कमाओ, कमी है, आप समझ रहे हो? बहुत लोग क्या, मैं देखा हूँ खासकर मैं लड़का का पहले बात करता हूँ, फिर लड़कियों का मैं बात करूंगा। देखो भाई, पहले लड़के से मैं बात करता हूँ, जो भी आप लोग लड़के हो, आप लोग पता है यार, मतलब इस सोसाइटी में कितना हम लोग प्रेशर फील करते हैं। 25 साल का कोई हैंडसम लड़का भी होगा ना, या 30 साल का कोई हैंडसम लड़का भी होगा ना, उसका शक्ल नहीं देखेंगे, उसका बैंक बैलेंस देखेंगे,
कभी देखे हो कि 27 साल का एकदम हैंडसम लड़का है और उसको कोई बोल रहा है, वाओ इतना हैंडसम भाई, तेरे को तो यार कोई भी लड़की मिल जाएगी यार, तेरा ससुर तो भाई चुम्मा लेगा, कभी देखे हो? नहीं। 27 साल का हैंडसम आदमी भी है ना, फिर भी साला उसको कमाना जरूरी है, ठीक है। ये लड़कियों में देखा जाता है, यार इतनी सुंदर, तेरा यार सब फिदा, तेरा तो बाराती कभी वापस जाएगा नहीं तेरा यार। और बात भी सही है, ये लड़कियां खुद बोली है, यहाँ कोई मैं मैन वर्सेस वुमेन नहीं कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो, ये है लड़के लोग साला भाई, मतलब कितना वही बोला, 27 साल का हैंडसम भी फिर भी साला बाप टोंट मार रहा है, ठीक है, या फ्रेंड लोग टोंट मार रहा है, या गर्लफ्रेंड ही टोंट मार दी। तो भाई कुछ ना कुछ पहले कमाओ, समझ रहे हो, अच्छा खासा कमाओ। अगर मान लो आपकी एकदम हाई प्रोफाइल में शादी कर ली है, मान लो एकदम गर्लफ्रेंड ही ऐसा पटा है जिसका फरमाइश बहुत ज्यादा है, तो भाई ऑब्वियस ही बात है महीना का 20,000 से तो काम नहीं चलेगा, 1.5-2 लाख कमाओगे तब जाके कुछ होगा भाई। इसलिए ठीक है, एक्सपेक्ट अगर किए हो कि मेरी मस्त एकदम बीवी आई है, एकदम मस्त है हस्बैंड आए, तो भाई उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ठीक है आपका वो होना चाहिए औकात, ठीक है। कुछ ना कुछ भले यूट्यूबर ही बन जाओ, मतलब कुछ ना कुछ भाई आपका होना चाहिए अर्निंग सोर्स, वही कैरियर मानो, या तो भाई दो साल लग के पढ़ लो, ठीक है। अभी कैरियर मान लो शादी हो गई 28 साल, 30 में करना है, कौन बोल रोक रहा है, ठीक है, 28 साल है ना, नौकरी वोकरी नहीं लगाना भाई, पढ़ाई करो ना, 2 साल जम के भाई पढ़ लो और शादी कर लेना, क्योंकि मैंने अच्छा अच्छा का देखा है भाई, पता है मतलब नहीं कमा पा रहे हैं, ठीक है, मतलब सिर्फ प्यार कर रहे हैं अपनी बीवी से, लेकिन बीवी का कहीं ना कहीं खुन्नस निकल गया है, ठीक है। और कितनी औरतें रो के कॉल करती है जो अपने पैर पे बेचारी खड़ी नहीं है और पति घटिया निकल रहा है, उनको लग रहा है यार मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, पति घटिया है मारता है, मैं कहाँ जाऊं यार, एक बच्चा भी हो गया यार मैं, और मेरी अभी इतनी हैसियत नहीं कि साला मैं खिला पाऊं, सेरेलेक का एक डब्बा भी खरीद पाऊं, बताओ 12 नंबर का सेरेलेक का डब्बा, समझ रहे हो, तो भाई बताओ सहेगी, क्योंकि रोटी मिल रहा है और रोटी के साथ गोभी का सब्जी, चलो करेला का भी भुंजिया, लेकिन मिल रहा है ना रोटी, है अब वही बोल रहा हूँ भाई, देखो भाई कमाओ यार, पहले कमाओ, शादी से पहले कुछ ना कुछ कमा लो, ठीक है, कुछ ना कुछ आपका होना चाहिए, चाहे लड़की हो, लड़कियों को तो और बोल रहा हूँ, आप लोगों को साला और कमाना चाहिए, ठीक है। अभी मान लो 25 साल की हो ना, ठीक है, और कुछ नहीं है भाई, अभी शादी मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी 26 में करना, 1 साल खुद पे ध्यान दे दो, कुछ भी करके 1 साल ध्यान दे दो, ठीक है। और जो भी लड़के हैं जो 20 से लेके 24 साल के बीच वाले, जो 20 साल और 24 साल के बीच, अरे 20 से 24 वाले जो भी आप लोग हो, अगर ये वीडियो देख रहे होगे भाई, देखो 25 आने वाला है, 25 साल आने वाला है, ठीक है, 25 साल के हो जाओगे, ठीक है, अभी पढ़ रहे हो तो भाई ढंग से पढ़ लो भाई, नहीं तो भाई शादी का प्रेशर तो आएगा, एक टाइम तो आएगा भाई, 27-28 में भयंकर आएगा, ठीक है, और आपको करना होगा, ठीक है, चलो 30 में भी करोगे, लेकिन भाई कुछ ना कुछ तो कहाँ से, समझ रहे हो, तो क्योंकि देखो भाई पता है शादी के बाद एक अलग दुनिया होती है, ठीक है, उस समय आप हो सकता है एम्बेरस फील कर जाओ, वाइफ को ले जा रहे हो मार्केट, वाइफ ने अगर ऐसे उंगली कर दिया कि ये लॉकेट लेना है या ये इयररिंग्स लेना है, और जब देखे कि अरे ये साला छोटा सा इयरिंग का 500 टका, तो पिछवाड़ा फटे जाएगा, तो उस समय क्या बीबी को बोलोगे, भाई इतना महंगा नहीं, बोल सकते हो, आपका हक है, वाइफ है वो सुनेगी, ठीक है, लेकिन कब तक रोकोगे, वाइफ है तो भाई आखिर उसका हक है फरमाइश करना, ठीक है, आपको फुलफिल करना होगा, आखिर मर्द है ना भाई, थोड़ा तो उतना हम लोग को लोड लेना पड़ता है, ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ। अब यार क्या मैं बोलूँ, इसलिए भाई बड़ा वो चल रहा है यार, बकचोदी बोलो कैसे, मतलब एक तो पैसे नहीं होते हैं तो वाइफ हस्बैंड में अनबन होता है, और मुझे और उल्टा ऐसे भी कॉल आते हैं जिनमें वाइफ भी जॉब कर रही है, हस्बैंड भी जॉब कर रही है, फिर भी इन लोग में अनबन हो रहा है, क्योंकि शक कि वाइफ कहीं जॉब में तो चक्कर नहीं चला रही है, हस्बैंड कहीं बाहर जॉब में चक्कर नहीं, आप समझ रहे हो, मतलब पैसा नहीं भी है फिर भी अनबन, पैसा है फिर भी अनबन, ठीक है, लेकिन फिर भी यार खाने का ठिकाना तो रहे, अनबन हो सलेट लोगे, लेकिन पहले खाने का ठिकाना तो रहे, कब तक मारवाद चोखा खाओगे, कभी तो दाल भात और पनीर की सब्जी खाओगे, समझ रहे हो, अब तो आपको बोल रहे नहीं सर मुझे तो मशरूम पसंद है, तो मशरूम के लिए भाई फिर 50,000 महीना कमाओ, अब थोड़े अब मशरूम ये नहीं 50,000 रुपये किलो है, लेकिन मशरूम के साथ भी तो कुछ डालोगे, मटर उटर, समझ रहे हो, तो वही मैं बोल रहा हूँ भाई, देखो अगर आपके पास अर्निंग सोर्स है, कुछ ना कुछ आप कमा सकते हो, मतलब 40-50 हज़ार, तो भाई आपका ना कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा होगा ना भाई, समझे, मतलब ससुराल भी अगर जाओगे ना, हाँ क्या है,
अच्छा, थोड़ा लगे ना म्यूजिक लगे ना टीवी में, क्या ही सब देख रहे हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, चेंज कीजिए, ये एटीट्यूड रहेगा, समझ रहे हो, नहीं तो बिना कमाए साला ससुराल जाओगे, सूजी बन रहा है, हलवा बन रहा है क्या? अच्छा, किशमिश डाल दीजिए ना। अब ससुर बोलेगा कमाते हो, किशमिश खाओगे? अच्छा, थोड़ा बदम में डाल दीजिए ना किशमिश। हाँ बदम, अब बताओ ये हो जाता है, अब वही कमा के जाओगे, हलवा बन रहा है क्या? किस चीज का? सूजी का है? मैं कमाता हूं इतना, सूजी का हलवा खाऊंगा? गाजर का हलवा खिलाओगे ना? चप्पल से मारूंगा, गाजर का हलवा बनाओ, ये एटीट्यूड रहेगा। फिर ससुर ससुर बोलेगा अच्छा गाजर का हलवा, ये भिंडी का हलवा बना दूं, समझ रहे हो? तो ये एटीट्यूड रहेगा आपका भाई। और ये ऐसा सुनो पहले, मैं लड़कियां भी ठीक है अपने मायके में कॉन्फिडेंट रहोगी आप, ठीक है, एकदम खुद में एकदम हमेशा कॉन्फिडेंट रहोगी कि यार छोड़ ना यार, ठीक है, मतलब पति छोड़ भी दिया, ये नेगेटिव चीज नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन होता है ना पति घटिया निकला लेकिन खुद को संभाल लूंगी क्योंकि मैं महीने का 40,000 कमाती हूँ, ठीक है। तो भाई इसलिए पहले कमाओ। आप लोग जो है ना, बहुत लोग ढंग से पढ़ते हैं नहीं, ठीक है, कुछ ढंग से कर ही नहीं पाते, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करके ही कमा सकते हो, लेकिन बहुत लोग पढ़ाई नहीं करते हैं लेकिन कुछ और भी नहीं कर पाते हैं, आप समझ रहे हो, मतलब कुछ लोग, मेरे कुछ दोस्त हैं वो यूट्यूब में भी करना चाह रहे थे कुछ, लेकिन 10-12 वीडियो बनाए, ठीक है, उसे देखे यार चैनल तो मोनेटाइज हुआ नहीं, छोड़ दिए। अरे भाई यूट्यूब का मालिक तो दोस्त है क्या? जब तक यूट्यूब के एल्गोरिथम को हिलाओगे नहीं तब तक भाई कुछ वीडियो उठेगा ही नहीं तुम्हारा। यूट्यूब भी 3-4 साल का चीज है भाई, सही से यूट्यूब सीखने में 3-4 साल लगते हैं, कैसा टैग डालना है तब वीडियो उठेगा, कैसा थंबनेल बनाना है तब क्लिक होगा, क्लिक बेट भी करना है, ये करना है, समझ रहो, यूट्यूब खुद में कोर्स है, ठीक है, इसमें भी करने मेहनत लगता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ करो, भले भाई आप खेती कर रहे हो लेकिन भाई कमाओ, भले आप भाई चपरासी हो किसी स्कूल का, भाई उसको भी मन से करो, कुछ ना कुछ करना है, ठीक है, नील बट्टा सन्नाटा मत रहो भाई, खासकर लड़कों को मैं बोल रहा हूँ, लड़कियों को कमाना चाहिए। लेकिन भाई एक चीज बताओ, आपको पता है ये भारतीय समाज है, ठीक है, हम लोग मर्द हैं भाई, ठीक है, औरत से कितना काम कर पाओगे, ठीक है, वो इक्वेलिटी की बात अलग है, लेकिन फिर भी एक हम लोग के जैसा फिजिकली उतनी स्ट्रांग नहीं ना भाई, थोड़ी मजदूरी करवाओगे, आखिर वो हमारी धर्म पत्नी है, ठीक है, तो भाई उसको तो कम से कम प्रोटेक्शन देना हम लोग का काम है। अब आप ही नहीं कमा पा रहे हो, ठीक है, मतलब हेल्थ भी बिगड़ा बीवी का, तो भाई दवाई दारू नहीं कर, मतलब सिर्फ दवाई दारू नहीं, समझ, दवाई भी खरीदने के लिए अब जा रहे हो, 4 पत्ता टेबलेट उसी का हो गया 700 रुपया, है ही नहीं आपके पास पैसे, तो बीवी का तो भाई मान लो एक खांसी की वजह से भाई उसको दिक्कत हो जाएगा, छोटा सा खांसी हुआ लेकिन क्या उसको सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगा। तो भाई खासकर जो भी लड़के हैं, चलो ठीक है, मतलब वाइफ कमाए चाना कमाए होता है, लेकिन भाई हम लोग मर्द हैं, हम लोग को फोकस करना होगा। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी लड़कियां भी है भाई, आप लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करती हो ढंग से, मैं देखा हूँ, ठीक है, बस इसी है। अरे पहले जमाने में लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो उस समय तो बड़ा विरोध करती थी कि हम लोग का हक छीना जा रहा है, घर में रखा जाता है, अब तो आपको बड़ा फ्रीडम मिल रहा है तो अब क्यों नहीं पढ़ रही हो, ठीक है, अब आप बोलोगे साला लेक्चर दे रहा है। अरे भाई डिसलाइक मारना इस वीडियो को, मार दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है मैं सही बोल रहा हूँ, बुरा लगेगा ना कुछ लोगों को, हो सकता है बुरा लगेगा, पढ़ाई लिखाई में टोंट मार दिया मेरे को, ठीक है भाई, चीज खोलो, पहले सहन शक्ति रखिए अपने अंदर, ठीक है, कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, पहले कैरियर बनाइए, ठीक है, और सही टाइम में शादी कीजिए, ठीक है भाई। बहुत लोग ना बस ढंग से पढ़ते भी नहीं है, हो जाते हैं 32-33 साल के, ठीक है, तब उनको लगता है क्या करें, कर लेते हैं शादी। बताओ शुरू से पैटर्न, वो फॉर्मेट आप दिए नहीं ना कैसे क्या करना है, समझ रहे हो भाई। तो चलो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, पसंद आए तो लाइक करना, ठीक है, और नहीं भी आए पसंद तो फिर भी लाइक करो भाई, ठीक है, एकदम लाइक हो जाना चाहिए, एकदम 200 लाइक मारो, ठीक है, मैं से डायरेक्टली अगर जुड़ना चाहते हो, लव टिप्स लेना चाहते हो भाई, पैसा तो देना पड़ेगा भाई, ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज कीजिए, डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, कोई नहीं उठाएगा, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिल जाएगी, पेमेंट कीजिए, 1 घंटा में बात कर लूँगा, ठीक है, समझ रहे हो, और मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है, चलो बाय।